और इसी के साथ ओ भाई साहब हिस्टोरिक विन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो एक्चुअली आज प्लान नहीं था व्लॉग का, लेकिन शौकत भाई का मैच है आज संडे, तो हमने एक ही पार्ट शूट कर लिया। शौकत भाई ने एक्सक्यूज़ बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन मुझे पता ही था इसको मैच खेलने जाना है। लेकिन यहाँ पर आवर कैसे गुम, तो यहाँ पे 6 आवर ख़त्म हो गए थे, तो शौकत भाई पे थोड़ा मसला हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं ये कौन सा रूल है, इनको नहीं खिलाएंगे, 6 आवर के बाद ये नहीं खेल सकते। हम पे जार पार वार पार करूँ वो तो फाइनली शौकत सब बहुत अच्छी फील्डिंग करा, लेकिन क्रिकेट के कुछ रूल्स होते हैं ये सब मानना होता है, क्योंकि इसने झूठ बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाना है लेकिन इसको मैच खेलने जाना है। तो ये है यहाँ पे प्लेयर शौकत सोबस खिलाफ क्या चुके बना है? शौकत सोबस खिलाफ चुके बना है कि एमिशन वो दिमाग टीम में जाता है बॉलिंग करना, जो अपोजिट टीम बना है कि संसार कर बॉलिंग की है या आख अवर लेट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी इनको जार पर कर रहे हैं हम, वहाँ पे मसला चल रहा है, देखते हैं इनको खिलाएंगे कि नहीं। फिलहाल आप व्लॉग में बने रहो। ये मन कैसे चुन यूता दबाव पता ही हुआ है टीम से जिंदा कर सकेगा मैं तो नमक में ही पता था। तो शौकत भाई बोल रहे इनको पता है कि ये सुल्तान का किंग है, स्विंग सुल्तान का किंग, इसलिए ये डर रहे थे। तो अभी आज मैं दिखाऊंगा आपका स्विंग का सुल्तान। हाँ, 6 ओवर के बाद आया, अब सिफारिश करनी पड़ी, मैंने भी थोड़ा बहुत जार पार किया, उन पे जार पार ही करूँ त्रोक फाइनली। तो फाइनली शौकत साहब को बॉलिंग करनी है, तो आज पता चल जाएगा स्विंग का सुल्तान कितनी ख़तरनाक बॉलिंग करते हैं, वो अभी पता चल जाएगा। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार है शौकत भाई, देखते हैं इनकी बॉलिंग कितनी ख़तरनाक है। तो दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, और ज़बरदस्त बॉल। तो अभी तीसरी गेंद करेंगे शौकत भाई, बहुत ही बढ़िया बॉल। तो अभी तक शौकत भाई ने बहुत ही बढ़िया ओवर किया है, तो अभी दूसरा ओवर करने वाला है, देखते हैं दूसरे ओवर में कितने रन्स देते हैं। फिलहाल पहला ओवर तो बहुत ही बढ़िया किया, बढ़िया बढ़िया भाई। तो आप लोग बहुत सोच रहे होंगे यावर भाई क्यों नहीं खेलते इनकी टीम में, एक्चुअली मैं अपनी टीम में खेलता हूँ, इनकी टीम में नहीं। हेलो गाइस, मुझे हो गए क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतने इस बार प्लेयर स्पॉट पे 10 करोड़ तक का इनाम आ गया है। मैच का सीजन प्लेयर स्पॉट उसकी विनिंग का भूत तो सब पर ही चढ़ेगा। डाउनलोड कर प्लेयर स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप, ये सिर्फ मेरी नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों की फेवरेट है, और इस सीजन की विनिंग तो बवाल है बवाल। अब हर एक इंडिया के घर में होगा क्रिकेट का भूत प्लेयर स्पॉट पे। सपोर्ट ही नहीं, बहुत ही इजी गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे लूडो, रमी, स्नैक एंड लैडर्स, कॉल ब्रेक जैसी 15 प्लस गेम्स जिनको खेलकर आप जीत सकते हो अप टू 50 लाख। आप बोलोगे प्लेयर सपोर्टिंग क्यों, 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइज और रोज नए नए अलग ऑफर्स, इजी विड्रावल विद नो KYC, और 1 करोड़ यूजर्स जो इस पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है ये स्क्वायर है। और दोस्तों ये एंड्रॉयड और iOS में दोनों में अवेलेबल है। तो इस सीजन अपने दोस्तों को भी बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। नीचे दी हुई लिंक से तुरंत डाउनलोड करो, और आप बीटते हैं किसी फेवरेट गेम या किसी फेवरेट स्पोर्ट्स में, तब तक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करो और वीडियो भी आगे देखो। इनका ये अलग टीम है, मेरा अलग है। और ओ यार, तो शौकत भाई की पहली विकेट थी, लेकिन वहां पे एक आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। और ये 4 रनों के लिए, इस बार शौकत भाई को चौका पड़ गया। पिच मदद नहीं दे रहा है, मदद ना कर असली लेवर, मगर बद किस्मत से आख विकेट आ गई, मगर तुम तो कैच है, वो क्या कारण किस्मत आसान क्या बासान ऐसा जना ये थाई जी में स्कोर को तागो स्कोर गए 68। चलो चलो, बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे क्या कैच ड्रॉप किया भाई साहब, ओ कैच ड्रॉप, शौकत भाई ने कैच ड्रॉप किया।
शौकत सबस लास्ट ओवर उमेद ओवरस मज नी विकेट ओ भाई साहब शौकत भाई को 150 मीटर छक्का पड़ गया इस बार। और दूसरी गेंद में बॉल हवा में अभी तक और ये भी ड्रॉप। शौकत भाई की किस्मत में विकेट नहीं है आज। तो इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे शौकत भाई। दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और ये गेंद हवा में और इस बार भी कैच और वो भी ड्रॉप। ओ माय गॉड इतने कैचेस ड्रॉप वो भी इतने इजी। शौकत भाई हंस रहे हैं अब। तो इतनी वीक फील्डिंग मैंने आज तक नहीं देखी है। तो इस ओवर की पांचवी गेंद करेंगे और ये भी हवा में है और इस बार फाइनली शौकत भाई ने एक विकेट लिया। शौकत साहब चाहे बॉलिंग पर क्या जिसम कैच त्रा पाँच के जी अच्छे वो क्या उस क्या अथन आ चार बुथे गि चार सुन लोर। तो एक इनिंग हो गई कंप्लीट। तो शौकत भाई की टीम को 134 रनों का लक्ष्य दिया गया है। तो अभी देखते हैं कितने ओवर्स में ख़त्म करेंगे और ख़त्म कर भी पाएंगे कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। इसका काम खोल इसका स्कोर लिखने से पढ़ो कि ना इसका स्कोर लिखने से पढ़ो मुझे शौकत भाई शौकत साहब 134 रनों का लक्ष्य दिया आपकी टीम को कितने ओवर्स में खत्म करोगे? 12-13 ओवर मतलब मैं बूझ तुम टीम परफॉर्म व्लर करा या करो दो त्राय तुत कसन ओवर मज करो खत्म वन लगभग ऐसे कस में नंबर पे बैटिंग वसा कसमिस नंबर पे बैटिंग करा चौरमिस वन कस ओवर मकल सदह पॉइंट शे आउट गा आउट गा कम कच प्लेयर ग चलो ठीक चीन बैटिंग या वह खास शौकत भाई आज कप्तान से हाथ में ले रहे हैं बिल्कुल कचा एक्सपीरियंस है कैप्टनसी हंड्रेड परसेंट अगर आज हो ना मैच खजल जदी गए क्रिस्कैन तो चलो देखते आज इनकी कप्तानसी कैसी होती है। प्रिडिक्शन है खतरनाक तो शौकत भाई की प्रिडिक्शन सही जा रही है अभी एक ही विकेट चुका और स्कोर हो गया है लगभग 90 के पार हो गया स्कोर और ओवर चल रहा है शुक्रिया 10वां ओवर चल रहा है और स्कोर 90 के पार है खाली एक विकेट गिरा है आज आपसे तवे गुंद युत क्या वन आज जीनू तुम मुबारक तन तो यन आज तुम मुबारक मुझे लगता है लास्ट 20 मैचेस में आज पहली बार जीत रहे हैं मुबारक लास्ट 20 रात कर अकट रन आज क्रिकेट आसा न्यूजीलैंड करना उतर कौन वन जाए मतलब से क्या कौन आओ ये शायद पिटे कर आफ लेट बस आओ कशीर मतलब वो चलो तो मतलब ये ग्रिम हां ये पर क्या मोकुर मास बस ये तीर मास अक्सर आमुत लबा ये तब जो प्लेयर आउट गा तक लगान लन मतलब अम ख क्या वन अगर दून चोर करो दह रन अगर गई ना आउट जो विकट गई पेटस पे सतो रन वन कर मगर बह कसम अगर ब्या गो तो यू मगर युन यह कौन त्रा यह कसम वसा फारमेटस पे कत फारमेटस पे तेल वसा चोरी पांच मुलाजिम टीम मज तम गए बंद। तो मैच में इतना खतरनाक ट्विस्ट आ गया। तो पांच मिनट पहले 10 विकेट थे इनके हाथ में और रन करने थे 25 तो अभी 4 विकेट्स लगातार गिर गए और रन अभी भी 25 है तो बहुत ही मजा आने वाला है मैच में देखते क्या होगा मुझे लगता है कि अब डेंजर हो गए इनके लिए। फाइनली हमारे शेर पेड अप हो गए इनके। शौकत भाई टीम को जरूरत है आपकी जरूरत है बाबू मजबूर नत खत टीम को जरूरत है आपकी भाई
और एक विकेट गिर गया, पांचवा विकेट शौकत भाई की बैटिंग। ऑल द बेस्ट ब्रो, टीम बहुत ही खतरे में है भाई। और यहाँ पे क्रिस केन, ओ भाई साहब ये क्या हो गया भाई। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, पांच विकेट्स गिर गए। तारिक भाई चौधरी आज जो ना मैच जीत क्या गो चलो तो ये क्या हो गया भाई, मैच ने एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो फाइनली शौकत भाई क्रीज पे, देखते क्या करेंगे। ओ बढ़िया डिफेंस, तो शौकत भाई ने डिफेंस कर लिया। अभी टीम बहुत ही खतरे में, उम्मीद करते हैं शौकत भाई आज बहुत बढ़िया खेलेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे। और ये बोल्ड एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये यकीन नहीं हो रहा है, टीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जानती रोड्स, शौकत भाई ये क्या हो गया, तूने पे आउट हो गया। ओ डक पे डक, डक पे डक। शौकत साहब क्या हालत, लास्ट विकेट से 10 रन करने। ए आजम फयाज डोट पे डोट डोट पे डोट। आज रोज हिस्ट्री अगर यो ओवर। नाइस प्लेट ब्रो, हालत गई वारिया ज्यादा खराब। वन कर 10 रन लास्ट विकेटस, तुम वो मे गोड़े युद्ध टीम से वलार ये हेकन कह रिकॉर्ड बन। कारे गो फेल, कारे गो फेल। शौकत साहबन बूथ अगर तुम कह वो तय असल इस गई हालत, मतलब इतना एक्साइटिंग मैच मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब क्या हो गया टीम को, 24 रन 25 रन चाहिए थे, अभी 10 विकेट हाथ में थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई सारा टीम बिखर गया। और इसे खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। इसी के साथ ओ भाई साहब हिस्टोरिक विन, आई कांट बिलीव ब्रो। यू गो हिस्टोरिक विन, तो आज यहाँ पे हिस्ट्री। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह मत रो मेरे दिल, चुप हो जा सो हुआ। ये जो प्यार में होता सब करता है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जर्सी नंबर क्या चुक ऐसा वाना पनस टीम रिलेटेड सुन मैं क्या पज कर तहने प्लेयर फुटास बाल दुम सा चक लगा। चलो फाइनली दोस्तों तुम बूझ पान शौकत सुबह वो अस नरेंगा कम तो गाइज देख ले आपने आज कितना इजी मैच शौकत भाई की टीम ने हारा। तो एक क्रिकेट है इसमें कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही घटिया थी, खासकर जो लास्ट के 9 प्लेयर्स थे जो इनके ओपनर थे उन्होंने लगभग 90 प्लस इनको ये दिया, मतलब स्टार्ट दिया। उसके बाद 24 रन चाहिए थे, 10 विकेट इनके हाथ में थे, लेकिन फिर उन्होंने ख़राब खेला, बहुत ही ख़राब। तो फिर मैच हारा इन्होंने 9 रन से मैच हारा, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस। शौकत भाई का मुँह देखने लायक था, लेकिन क्या ही कर सकते, क्रिकेट में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आज का ये व्लॉग थोड़ा हटके था, मैंने ये डिफरेंट व्लॉग बनाया आप लोगों को दिखाया कि शौकत भाई कैसे बॉलिंग करते और कैसे खेलते हैं। तो क्रिकेट में कुछ नहीं बोल सकते, हमने भी कभी मैच हारे लेकिन इतने बुरी तरीके से नहीं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई अस्सलाम वालेकुम।